तुम्हारे लिए स्नैक्स लाया हूँ। मैं लाया हूँ तुम्हारे फेवरेट डोरा केक्स। क्या तुम नहीं खाओगे? मुझे नहीं चाहिए। क्या क्या हुआ तुम्हें बताओ ना। तुम जानना चाहते हो? तुम सच में जानना चाहते हो? हाँ बिल्कुल। मैं तुम्हें कैसे बताऊँ, मुझे बहुत शर्म आ रही है नोबिता। कोई बात नहीं, मैं खा लेता हूँ। मतलब तुम मेरी बात नहीं सुनना चाहते हो? तुम्हें क्या हो गया है डोरेमोन? हाँ, अब ये मत कहना कि तुम किसी बिल्ली से दोस्ती करना चाहते हो। मुझे सब पता है, मुझे नहीं पता होगा तो किसे पता होगा? मुझे बहुत शर्म आ रही है। तो कौन है वो? वो बहुत प्यारी है, बिल्कुल एक परी की तरह। तुम जानते हो उसकी आंखें बहुत प्यारी हैं और वो है बहुत ही क्यूट। अरे वाह, उसका नाम क्या है? मैंने आज तक उससे बात नहीं की है। तुम तो हमेशा ऐसे ही करते हो डोरेमोन। हाँ तुम सही कह रहे हो। वो देखो, वो रहा उसका घर। हाँ, अरे वाह, बहुत सुंदर है। हाँ, वो देखो वहाँ। कहाँ पर? तुम उसी की बात कर रहे हो ना? हाँ, ये तो पर्शियन कैट है। तुम बिल्कुल सही कह रहे थे डोरेमोन। कितनी अच्छी है ना वो। मुझे तुम्हारी बातों पर हंसी आ रही है। ये गलत बात है, तुम मेरा मजाक नहीं उड़ा सकते हो। क्या बात है? जरा वहाँ ऊपर देखो, वो देखो एक बिल्ला। तुम्हारा मतलब उससे है? अरे तुम्हें पता है, शायद वो पर्शियन कैट को ही देख रहा है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। अब मुझे कुछ करना ही होगा। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। शांत हो जाओ, ये क्या कर रहे हो? रुक जाओ, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। अब मैं क्या करूँ नोबिता? सबसे पहले तुम्हें उससे बात करनी होगी, उसके बाद ही तो तुम उसके अच्छे दोस्त बन सकते हो। तुम सही कह रहे हो। हो सकता है वो मुझ जैसे गोलमटोल रोबोट से दोस्ती करना पसंद ना करे। मेरे पास एक आइडिया है। ये है फैट कटर। अरे ये क्या, मत करो ऐसा डोरेमोन। तुम मुझे मत रोको नोबिता। अरे इसे क्या हुआ? अरे ये डोरेमोन को अचानक क्या हो गया है? क्या सच में ये तुम ही हो ना डोरेमोन? तुम मुझसे दोस्ती की बात इतनी आसानी से कैसे कर सकते हो? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं उससे दोस्ती करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। डोरा केक भी छोड़ सकता हूँ। तुम सच कह रहे हो? तुम्हें क्या लगता है क्या करना चाहिए? मुझे लगता तुम उसको कोई अच्छा सा गिफ्ट दे सकते हो। मेरे ख्याल से ये सबसे अच्छा आइडिया रहेगा। तुम उसको उसकी पसंद का कोई गिफ्ट दे सकते हो। ठीक है, उसे क्या गिफ्ट देना चाहिए? अरे जो भी उसको अच्छा लगता हो वो दे दो। अरे हाँ डोरेमोन, तुम उसके लिए ऑनलाइन शॉपिंग से कोई भी अच्छा सा गिफ्ट खरीद सकते हो। हाँ ये अच्छा आइडिया है। ऑनलाइन शॉपिंग में स्वागत है। आप यहाँ अपनी पसंद का कुछ भी सामान खरीद सकते हैं। हाँ ये वाला आपका सामान आ गया। मुझे लगा ही था ऑनलाइन शॉपिंग तो बहुत तेज काम करती है। चलो अब देखते हैं। कैट परफ्यूम, बोनेटो गम, रेड ट्रैप गेम, हाउस डिजाइन टेबल विद हीटर। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। मैं किसी काम का नहीं हूँ। नाराज मत हो, तुम बहुत अच्छे हो और तुम्हारी पसंद भी अच्छी है। हाँ डोरेमोन। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं डोरेमोन। क्या सच में? हाँ सच में। अच्छा ठीक है, बढ़िया। लेकिन मैं उसे ये सब दूंगा कब? वो तो
घर से बाहर निकलती ही नहीं है। एनीवेयर डोर है ना? हाँ, सही कह रहे हो। लेकिन अगर उसे मेरे गिफ्ट्स पसंद नहीं आए तो मैं क्या करूँगा? अजीब हो क्या? मैं तुम्हें बिल्ली जैसा लग रहा हूँ। तुम कितनी अच्छी हो, तुमने मुझे बिल्ली कहा। हाँ बिल्कुल। आज मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू। अच्छा सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? सॉरी, हेलो, मेरा नाम है डोरेमोन। डोरेमोन, मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई। ठीक है डोरेमोन। ये ठीक है, लिया हूँ, आपसे मिलकर अच्छा लगा। ओ, मुझे भी अच्छा लगा लिया। मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ, ये लो। इतनी सारी चीजें मेरे लिए? क्या तुम्हें ये सब पसंद आया? पसंद है। वाह, क्या बात है, मैं तो बहुत खुश हूँ। तुम्हें पता है मैं भविष्य से आया हुआ एक रोबोट हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तुम बहुत अच्छे हो डोरेमोन। क्या वाकई? पर मुझे सिर्फ एक बात बुरी लगी, तुम्हें सिर्फ मुझसे मिलने के लिए इतनी दूर से आना पड़ा। नहीं नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। मुझे अच्छा लग रहा है कि आज मुझे एक दोस्त मिल गया। वाह, तुम्हारे पास अपना कमरा है, तुम बहुत लकी हो। काश मेरे पास भी अपना कमरा होता। तुम्हारे मालिक भी तुमसे बहुत प्यार करते होंगे ना? वो तो है। मेरी ओनर मुझे सब कुछ देती है पर मुझसे प्यार नहीं करती। मैं यहाँ हमेशा अकेले ही रहती हूँ। ओ लिया, तुम चिंता मत करो, मैं तुमसे रोज मिलने के लिए आऊँगा, ठीक है? इसलिए तुम आगे से कभी अकेली नहीं होगी, ये मेरा वादा है। तुम्हारा शुक्रिया। क्या हो गया डोरेमोन, तुम रात को क्या कर रहे हो? डोरेमोन, फूलों और पत्तियों को देखो, बिल्कुल दिल जैसे लग रहे हैं।
अच्छा क्या सच में? ये तो बहुत सुंदर है। लिया तुम्हें पता है ये पत्तियाँ तो गुड लक के लिए होती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारी जिंदगी अच्छे से गुजरेगी। क्या सच में? अगर ये सच